ऑल राइट, गुड इवनिंग पीपल, वेलकम बैक टू बिजनेस। ग्रेविटेशन चल रहा है, लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम क्या क्या किया था उसका एक ब्रीफली ब्रश अप मार देते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कि अगर मेरे पास चार मासेज है 1, 2, 3, 4, देन द फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, M3 एंड M4 इज, यू नो फोर्स किस पे देखने का है, 1 पे, तो विल कॉल इट F1 बार। अब पहले 1 पे फोर्स कौन मारेगा, 2, तो दिस इज F1 2 बार। फिर 1 पे फोर्स कौन मारेगा, 3, तो दिस वाज F1 3 बार। और फिर 1 पे फोर्स कौन मारेगा, 4, दिस विल बी F1 4 बार। वी कॉल्ड इट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देन वी टॉक्ट अबाउट अ हॉलो स्फीयर या हॉलो शेल, हॉलो स्फेरिकल शेल। क्या बात करी हमने, दो बातें। पहला कि अगर एक स्फेरिकल शेल है बड़ा सा और यहां पे एक पॉइंट मास है, स्फेरिकल शेल का मास बड़ा एम है एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज डी, तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस। नाउ दिस इज अ पॉइंट मास, बट दिस इज नॉट अ पॉइंट मास, दिस इज अ बिग मास, बट बिकॉज ऑल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस, वी कैन सेफली टेक द एंटायर मास ऑफ द स्फीयर as concentrated at its center of mass. So you can treat this bada sphere as a point object of mass m. Tumko yaad hai humne bahut bachpan mein divya ko bhi ek particle bana diya tha, point object, barabar. So this was the first point. The second point being ki suppose I have this shell and I have the particle inside it, this is a particle of mass m. What will be the net force on this particle inside this shell? Zero. So net force on body, कहीं भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां कहीं भी रखो, inside a spherical shell, hollow sphere is zero. फिर हमने अर्थ के gravitational acceleration की बात की, gravitational acceleration ऑफ द अर्थ, बहुत ही मस्त इक्वेशन था, छोटा जी इज जी एमी बाय आर स्क्वायर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि अर्थ भले सॉलिड स्फीयर है बट यू कैन कंसिडर इट टू बी मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स एंड ये सारे शेल्स मिलके उस बॉडी पे फोर्स मारते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन छोटा जी इज जी एमी, एमी इज द मास ऑफ द अर्थ अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। On the Earth's surface, R कितना हो जाता है, RE, and we get a very lovely equation, which is छोटा GE is GME over RE square. G is gravitational constant, ME is the mass of the Earth, RE is the radius of the Earth. ये use करके हमको GE की value मिलती है 9.77, करीबन करीबन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये बात भी करी थी कि द रेडियस ऑन द इक्वेटर इज मोर देन दैट ऑफ द पोल्स, सो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द पोल्स इज मोर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द इक्वेटर। फिर हम आगे बढ़े थे कि सपोज मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाऊं मतलब मैं अर्थ से ऊपर जाऊं कुछ हाइट पे, तो उस हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, and as a result what I got, G, somebody wants to say something, the gravitational acceleration at a height h above the earth surface, gh, is gme over re plus h the whole square, and isko main divide karunga ge ke sath, I'll divide 1 and 2 just to get the answer in terms of GE. So GH by GE, GME, GME cut, RE square chad javing upar, and ye RE square ab iske niche le leta hu, and as a result final equation mujhe milta hai, GH is G over 1 plus h by re the whole square. Now this equation is acceptable if h is comparable to re.
मतलब एच की वैल्यू करीबन करीबन आरी के कंपेरेबल में है, बट अगर एच बहुत छोटा हो गया देन आरी, इफ एच मच लेसर देन आरी देन भाई क्या होगा फिर, तो यू हैव टू यूज बाइनोमियल थ्योरम। मैं इसको ऊपर उठा देता हूं तो 1 प्लस एच बाय आर ई द होल रेस टू माइनस टू विच विल बी करीबन करीबन जी, ये माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होना जाना है, और 1 माइनस टू एच बाय आर ई। सो दिस इक्वेशन इज वैलिड इफ एच इज मच लेस देन आर ई, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड इफ एच इज कंपेरेबल टू आर ई। इज दिस एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत इसमें नहीं? ओके, नाउ लेट्स गो डाउन। हम ऊपर तो जाके आए, अब नीचे चलते धरती मां के अंदर। धरती के अंदर अगर मैं चला जाऊं तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज माय पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो नंबर टू, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ डेप्थ। नाउ दिस इन्वॉल्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, ओके ध्यान से देखिए। सो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, सबसे पहले तो क्या है सिचुएशन वो देखो, मास m एट अ डेप्थ d फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ओके यू अंडरस्टैंड, ये अर्थ माता है, ये उसका रेडियस है r e, और कहीं यहां पर है बॉडी, यू नो यहां ये है पॉइंट P, ये M है, और ये सरफेस ऑफ द अर्थ से D डिस्टेंस पे है। मैं एक छोटा सा स्फीयर बना लेता हूं, ओके अब ध्यान से देखिएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। डू यू अग्री दिस बॉडी इज यू नो इनसाइड द अर्थ, उसमें ये जो पट्टा है ये इतना, ये डी का, ये इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। डू यू इज somebody विलिंग टू टेल मी why? No, you tell me why. अच्छा मैं पहले लिख लेता हूं, इस मास m पे फोर्स कौन मारेगा, सिर्फ ये जो शेडेड पोर्शन है ना वही मारेगा, जिसका रेडियस है आर ई माइनस डी। इस मास m पे यही शेडेड पोर्शन ग्रेविटेशनल फोर्स मारेगा, ये जो बाहर का है ना ये व्हाइट पट्टा वो नहीं मारेगा। क्यों? Anybody? 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 Mass m experiences gravitational force only due to shaded portion of radius Re minus d. बिकॉज इफ यू जस्ट लुक एट इट, अब ये शेडेड पोर्शन भूल जाओ। क्या मैंने आपको कभी बताया था कि अर्थ इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स? बराबर, सपोज करो ये शेल है, ये शेल है, एंड बॉडी यहां पे है, मास है। कोई भी बॉडी अगर शेल के अंदर हो तो उसपे शेल की वजह से कितना फोर्स पड़ता है? जीरो। मतलब ये मास m है, मैंने ये बीच का निकाल के तुमको ये दिखाया, ये मास m है और ये वो शेल है, ये जो d का पट्टा है ना ये रहा। Isn't this mass inside this shell? तो इस पूरे शेल की वजह से इस मास पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। तो ये वाला मास इस पे असर ही नहीं करेगा, ये तो अंदर हो गया ना, एंड वेन एवर अ बॉडी इज इनसाइड अ शेल नेट फोर्स इज जीरो, तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ ये जो है ना ये शेडेड पोर्शन, अब ये सब निकाल देता हूं, इनका तो जीरो हो गया, ये जो शेडेड पोर्शन है इतना ही इस पे फोर्स मारेगा,
Do you understand? Because this mass m is lying on the surface of this shaded portion, similar to how you are lying on the surface of the earth. Same old shit. तो पूरा अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मारेगा, ओनली वो जिस पॉइंट को इतना रेडियस लेके जो तुमने चक्कर मारा, जो गोल चक्कर मारा, वही पार्ट या शेडेड पोर्शन ही इस पे फोर्स मार सकता है. इज दिस मच क्लियर पीपल? एनीबडी हैज अ डाउट ये क्या बोल गए आप? बिकॉज दिस मास एम इज लाइंग इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल. And the force on any mass which is inside the spherical shell is zero. So the force, the gravitational force on M due to the spherical shell outside is zero. Very important. Okay. तो अब सबसे पहले क्या काम करते हैं? Density, density. अब इसका mass कितना हमको क्या मालूम? बराबर? Now for whole Earth. ये अर्थ टू डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है? चलो अच्छा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहते थे उसको? रो. थैंकफुली हमने जेई में इसको किया था. रो इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास अर्थ का ले लो एमई, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, होल अर्थ? मैं फिलहाल उसको एम ही पकड़ता हूं, ये इसको आर ही पकड़ता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे मास पर यूनिट वॉल्यूम मिला. फॉर शेडेड पार्ट, भाई शेडेड पार्ट का मास एम डैश, डू यू अग्री इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पार्ट? Can anybody tell me how much would be the volume of the shaded part, please? 4 by 3 pi r minus pq. My God, lovely. So rho 4 by 3 pi r e minus d the whole cube. Wow, बहुत बढ़िया. Okay, अब मैं लगाने वाला हूँ. Can I take this off now? Can I? Okay. Now, सबसे पहली बात. What is the force on that body? वो find करेंगे और फिर gravitational acceleration find कर लेंगे. The gravitational acceleration at point P is, hey, you know, gravitational acceleration at any point is gm over r square. Earth का surface हो तो मैं yummy मारता हूं. यहां सिर्फ वो shaded part का mass. Are you ready? Here Yes, sir. R is the radius of shaded part. How much was the radius of the shaded part? R e minus d. R u red d. Yes. R ki jagah R e minus d the whole square. And how much is m dash? Rho 4 by 3 pi. Kata kati kheloge? ये आर ई माइनस डी द होल स्क्वायर, ये आर ई माइनस डी द होल क्यूब. ये स्क्वायर कट गया, एक बचा. एक काम करते हैं, रो भी डाल ही देते लगे हाथों. यहां मास कितना है अर्थ का? यम्मी ओवर 4 बाई 3 पाई आर ई क्यूब इंटू 4 बाई 3 पाई काटा काटी 4 बाई 3 पाई 4 बाई 3 पाई गियो. आर यू देयर विथ मी? अच्छा, कोई मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस का इक्वेशन बताएगा क्या? फिर से माइक बंद हो गए सबके. ऐसा क्या आपको दिक्कत ना हो तो आर ई क्यूब को मैं आर ई स्क्वेर इंटू आर ई लिख सकता हूं. आर ई क्यूब को आर ई स्क्वेर इंटू आर ई. इसे पहचाना, ये है कौन? माय गॉड, नाम क्या है उसका?
जी या जीई? जी डी एस जी, ये आरी को अंदर डालो रे, आरी बाय आरी अपॉन डी बाय आरी। माइनस कौन करेगा? चचा, क्या मिलेगा फाइनल में? फाइनल बता, फाइनल। माय गुडनेस, इज दैट ट्रू? वेर डी इज द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बहुत ही जबरदस्त, इक्वेशन का नंबर ही नहीं है कोई, वन कर देते। सो जी डी इज जी, वन माइनस डी बाय आर। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इट विथ हाइट। हाइट का इक्वेशन क्या था? जी एच इज जी एच, अच्छा 2h/r। हाइट में 1 माइनस 2h/r, डेप्थ में 1 माइनस डी बाय आर। कैन यू सी द ब्यूटीफुल सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू इक्वेशंस? कहने का मतलब एक ही है, तुम जैसे अर्थ के ऊपर जाओगे, सरफेस से ऊपर जाते जाओगे, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन घटता जाएगा। जैसे ही अर्थ के नीचे जाते जाओगे, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन घटता जाएगा। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इज मैक्सिमम ओनली ऑन द अर्थ सरफेस। बराबर, कोई तुमसे पूछे कहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन मैक्सिमम है, अर्थ के ऊपर, अर्थ से ऊपर, या अर्थ से नीचे? अर्थ पे, अर्थ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इज मैक्सिमम। इज दिस अग्रीएबल? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स? ओके, बिफोर बिफोर आई डू नंबर 17 और समथिंग, मैं एक आपको नोट दे देना चाहता हूं। कैन आई टेक दिस पार्ट ऑफ नाउ? देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट आई वॉन्ट टू गिव यू, एंड मैंने इसका आगाज इसमें कर दिया है, पर मैंने वर्कशीट में कुछ सम्स दिए जो इस नोट के जरिए होंगे। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेंसिटी निकाला था। यू नो डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज एम ई ओवर 4/3 re³। सो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑन द सरफेस, जीई, डू यू नो जीई इज जी एम ई ओवर re² इस एम ई की जगह पे कैन आई राइट रो 4/3 π re³। यम्मी इज रो इंटू 4/3 π re³। क्या क्या कटेगा? re² और एक r कटेगा। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? जी इज जी रो 4/3 π re। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी रो। So this is the equation for gravitational acceleration in terms of density. So for any planet, so for a planet of radius r, gravitational acceleration would be, ये तो अर्थ के लिए है, पर कोई भी और planet हो तो g is g rho 4/3 π r, where r would be the radius of that planet and rho would be the density of the material of the, you know, of which the planet is made. So kindly jot down these equations. These equations will be important for solving some sums in the worksheet. So this is a lovely. Okay. So it says, how much would the body weigh at a depth halfway down the earth? So d is re/2, half radius, when it weighs 250 newton on the earth surface. So in a very simplistic way उन्होंने बताया कि body earth के radius से half point पे है। So suppose ये earth है, ये center है, body कहीं यहां पर, you know, point P, this is half radius re/2, so this is your d. अच्छा, on the earth surface, do you have any equation for gravitational acceleration on the Earth's surface? Yeah,
and at depth D from the Earth's surface, what is the gravitational acceleration GD? Is GE 1 minus D by RE. Do you agree D ki jagah RE by 2 put kar sakta hu main? Yes sir. Over RE. So RE cut. So this is GE 1 minus half. 1 minus half is how much? Half. So this is GE by 2. Okay. So GD mil gaya GE by 2. Achha, weight on the earth. W is MGE. Kitna hai wo 250 Newton. Hai na? And weight at point P, I'll call it point P. W dash is MGD. And how much is GD? Isn't it GE by 2? How much is MGE? This is W. And I got W. How much I... 250 by 2. Well, ladies and gentlemen, how much is that supposed to be? 125 Newton. Can you check the answer of 125 Newton, please? Is 125 Newton a good answer? Yes, sir. Is it working out or what or what? Okay. Naya topic hai. The derivation for the equation for the gravitational constant. Now the question is, G ki value sabko pata hai 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. The million dollar question is, ye value aayi kaise? किसी को सपने में थोड़ी आई होगी. तो कैविंडिश ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी. ओके, नाउ दिस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज लाइक दिस. ये एक रिजिड सपोर्ट है ओ, यहां से एक वायर लटक रहा है, दिस इज अ वायर, एंड वायर के साथ बांधा हुआ है दिस रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल. ओके, अब इस वायर, इस रॉड के दोनों एंड्स पे, कैन यू सी ए एंड बी पे, दो छोटे छोटे लेड के बॉल्स हैं, ईच हैविंग मास स्मॉल एम, बराबर, ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर टाइड टू इट्स एंड्स. नाउ मेरे पास दो बड़े बॉल्स हैं एम एम के, सो टू बिग मासेस एम ईच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम स्मॉलर मासेस as shown. Before you do anything, it is essential to understand the experimental arrangement. You know, suppose ye rigid support hai, yahan se ek wire suspend kiya hua hai, is wire ke saath ek danda bandha hai, ye rigid rod hai, aur uske dono ends pe do chote chote masses bandhe hue hain. Okay, ab mere paas ek mass bada, dusre do mass bade hai, aur wo do main aise rakhta hu, barabar, ye tumhara danda tha और इस डंडे पे ये दो छोटे मासेस थे, और उन दो छोटे मासेस के यो साइड मैं ये दो बड़े मासेस रखता हूं. डू यू अग्री ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये बड़ा मास इस छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? यस एफ. एंड ये बड़ा मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों मासेस एम और बड़ा छोटा एम, बड़ा एम छोटा एम, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे? पहली बात, बराबर. एंड एक फोर्स मेरी तरफ है क्योंकि ये बड़ा मास इधर है, दूसरा छोटा मास यहां पे, एक फोर्स मेरी तरफ है, एक फोर्स आपकी तरफ है. सो इफ आई शो यू द टॉप वर्जन, इट इज लाइक दिस, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स ऊपर की तरफ. ये क्या है? वाओ, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, दिस इज अ कपल. एंड व्हाट डज अ कपल गिव राइज टू? टॉर्क.
एज ए रिजल्ट ये सिस्टम ऐसे घूमेगा एंड ऐसे घूमने से ये वायर अब ट्विस्ट होगा. आप लोग झूले पे बैठे हैं ना, झूले पे बैठे हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि झूले को कोई एक तरफ से धक्का मारे वो झूला कैसे गोल गोल यू नो उसका जो स्ट्रिंग होता है वो कैसे पूरी ट्विस्ट हो जाती है और फिर जब वो धक्का मारना छोड़ते तो टक 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 करके वो पूरा खुल जाता है. हैव यू एवर डन दैट? एवरीबडी हैज डन इट मेनी टाइम्स. मैं तो क्या करता था, पेंसिल बॉक्स में ऊपर रबर बैंड लगाता था, फिर उसके बीच में पेंसिल लगाता था और उस पेंसिल को ट्विस्ट करता था एंड फिर एक पॉइंट पे आके छोड़ देता था, पूरा जिग 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 करके वापस द पेंसिल यूज टू कम टू द ओरिजिनल पोजीशन. अग्रीएबल? इज दिस समथिंग अंडरस्टैंडेबल? बराबर. ओके सो जी या ओके आई हैव दिस वायर विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ओ एंड इस वायर के साथ एक रॉड बांधा हुआ है ए बी ऑफ लेंथ एल. इस ए बी के एंड पे दो छोटे छोटे मासेज हैं, छोटा एम छोटा एम, एंड इससे आर दूरी पे अलग अलग पॉइंट पे मैंने दो बड़े मासेज रखे हुए हैं, बड़ा एम, ये बड़ा एम और ये छोटा एम डिस्टेंस आर है, ये बड़ा एम ये छोटा एम डिस्टेंस आर है. ओके डू यू अग्री ये बड़े एम अट्रैक्ट करेंगे ये छोटे एम को by forces as shown, ये वाला इस तरफ खींचेगा, ये वाला इस तरफ खींचेगा. So there is one force like this towards me, there is one force towards you. Are these two equal and opposite forces separated by a finite distance? Yes. What is this? Isn't this a couple? And couple will give rise to torque and ये घूमेगा और ये पूरा वायर ट्विस्ट होगा. Alright? So distance are from each other. The attractive forces are equal and are F is equal to G bada M chota M by R square. These two equal and opposite forces separated by finite distance constitute a couple and give rise to torque. Anybody remember the equation for torque due to a couple? Tau is force into perpendicular distance between the two forces. What is the perpendicular distance between the two forces? Isn't it L? So tau, my torque, is force kitna hai? G M M by R square into length L. Actually, unhone tau kisi aur cheez ke liye liya hai, to main torque ko torque hi kehta hu. Unhone actually tau ek aur cheez ke liye le liya isme. So torque is G M M by R square into length L. Acha. ये टॉर्क से वायर ट्विस्ट होगा एंड क्योंकि वायर ट्विस्ट हो रहा है वायर में एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा. डू यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क? वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स बट वी हैव नेवर सीन द कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क. यू नो जैसे तुम स्प्रिंग को दबाओ, दिस वॉज योर एक्सटर्नल फोर्स. इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्प्रिंग में क्या डेवलप हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स. तो तुम छोड़ दोगे, तुम अगर छोड़ दोगे तो what will the restoring force do? It will bring the spring back to the original position. उसी तरह ये external torque है जिसने वायर को twist किया है. वायर को twist किया external torque ने, वायर के अंदर क्या develop हो गया? Restoring torque. और वो restoring torque क्या कोशिश करेगा वायर को क्या करने की? वापिस खोल देने की, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ला देने की. इस टॉर्क ने वायर को ट्विस्ट किया. वायर हमेशा क्या ट्विस्टेड रहेगा क्या जिंदगी भर? नहीं, उसको वापस आना है ना अपने ओरिजिनल पोजीशन में. तो उसके वायर के अंदर क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क. जैसे तुम यू नो झूले को तीन चार बार घुमा दो तो झूला घूम गया, पर जैसे वो स्ट्रिंग यू नो ट्विस्ट आउट हो गई
उसके बाद तुम छोड़ दो, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? तो तुमने जो एक्सटर्नल टॉर्क दिया उसकी वजह से झूले में क्या डेवलप हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क. ऑलराइट, सेम आइडिया इज रिस्टोरिंग फोर्स, नो चेंज. ऑलराइट, सो ड्यू टू दिस टॉर्क नाउ आई थिंक आई कैन टेक द डायग्राम ऑफ. कैन आई टेक द डायग्राम ऑफ नाउ? मेरा डायग्राम का काम हो गया. सो ड्यू टू दिस टॉर्क, the string will twist and a restoring torque develops in the string. Anybody knows the equation for restoring force? Very good. Similarly, equation for रिस्टोरिंग टॉर्क, पहली बार देख रहे हैं आप लोग, रिस्टोरिंग टॉर्क इज टाउ थीटा. जैसे वो के एक्स तो ये टाउ थीटा. मैंने कहा ना टाउ यहां पे यूज किया उन्होंने, मैं बता रहा हूं ये दोनों चीजें क्या है. व्हाट इज टाउ, व्हाट इज थीटा? थीटा यू ऑलरेडी नो हियर. नहीं नहीं एंगल टर्न्ड. Here theta is angle turned by the string and tau is called twist constant. Jaise F is equal to kx mein k was what? Spring constant? Yes. This is twist constant. That is torque per unit twist in the string. Doesn't matter, सिर्फ एक आइडिया है भाई. तुमने जितना एक्सटर्नल टॉर्क लगाया उतना ही तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगा. सो इन इक्विलिब्रियम इक्वेट टू एंड थ्री. इन इक्विलिब्रियम इक्वेट टू एंड थ्री एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? इन इक्विलिब्रियम लेट्स इक्वेट टू एंड थ्री. इन इक्विलिब्रियम जितना टॉर्क है उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क है. एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. भाई हाउ मच इज एक्सटर्नल टॉर्क? जी एम एम बाय आर स्क्वायर इनटू एल. एंड हाउ मच इज रिस्टोरिंग टॉर्क? टाउ थीटा. सो मैं जी को आइसोलेट करना चाहता हूं. डू यू अग्री? जी इज टाउ थीटा आर स्क्वायर ओवर बड़ा एम छोटा एम इंटू लेंथ एल. इफ आई वर टू नो द वैल्यूज ऑफ द ट्विस्ट कॉन्स्टेंट, द एंगल टर्न्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, मासेस एंड द लेंथ ऑफ द रॉड, डू यू अग्री आई कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ जी? बरोबर. सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ टाउ थीटा आर एम एम एंड एल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. पुटिंग वैल्यूज of tau, theta, r, m, m and l, we can find the value of g. And Cavendish ne find kiya tha and the value came out to be 6.67 into 10 raised to minus 11. We can find the value of g. And Cavendish found this value to be 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Any doubts? बात समझ में आ गई है? कोई शक? Yeah. डेरिवेशन के लिए ही. दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन, नथिंग एल्स. यू आर नॉट सपोज टू पुट वैल्यूज और समथिंग. नो ऐसा नहीं.
मतलब जी की वैल्यू यूज करने के लिए। तो नहीं, जी की वैल्यू नहीं सर, वो हाँ जो आपका निकला था जी एम अपॉन आर स्क्वायर टू है, आई वो इक्वेशन कोई सम आएगा या नहीं है? डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी सम। बराबर है, वी आर गुड सो फार। ओके यस, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज ग्रेविटेशन इज कंसर्न। दिस टॉपिक इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड एवरीबॉडी नाम सुन के सबको, अरे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से तो बचपन का नाता है, चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर में तो अरे बहुत मजा आ गया था ये करके, है ना? वेरी गुड। बट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपने चैप्टर 6 में देखा था वर्क एनर्जी एंड पावर में, आई एम अफ्रेड यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, डिफरेंस क्या है? ओके लेट मी शो यू द डिफरेंस। ओके लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम एट पॉइंट पी एट हाइट एच वन अबव द अर्थ। यू रिमेंबर दिस वॉज आर रेफरेंस लेवल। वी नीड टू टेक इट 2 point Q at height H2 above Earth. So suppose this is your reference level, or you could call it Earth's surface. This is point P, this is height H1, and यहाँ से body को यहाँ पे लेके जाना है, this is Q and this is height H2. You know this was the body. If you remember, this was the body. Both points P and Q are quite near the Earth's surface, not very far from the Earth's surface. What was the work done in taking this body, jiska mass hai M, from P to Q? Anybody remembers? Sir. Work done in taking body from P to Q is, we'll call it work 1-2, A point 1, A point 2. Wouldn't it be force into displacement? How much would be the force? Mg. And how much would be the displacement? Do you agree this equation would be absolutely satisfactory in finding the value of work done? Ho payega tumse? By putting values of M, G, H2 and H1, we can find out work done. And yahi pe humne ye bhi kaha tha ki also we remember that gravitational force is a conservative force. आई थिंक मैंने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अभी थोड़ी टाइम पहले ही कुछ डिस्कशन किया था। यू रिमेंबर व्हाट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स? इन विच द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो तुम बॉडी को यौ ले जाओ, तुम बॉडी को यौ घुमा के ले जाओ या यौ 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 करके ले जाओ, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो इज अ कंजर्वेटिव फोर्स वेयर work done depends only on initial and final positions and not on the path taken. And as a matter of fact, हमने यहीं पे इसी टॉपिक में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, was एम जी एच एम जी एच। बरोबर, हमने देखा था, यूज करा था भरपूर भरपूर।
नाउ यू आर आस्किंग मी सर ये इतना अच्छा इक्वेशन तो है, फिर आप नया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का क्यों वो कर रहे हो माथाकुट? इस इक्वेशन की वैलिडिटी हर जगह नहीं है। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे 10 सेकंड भी, आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्यों ये इक्वेशन हर सिचुएशन में मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। एनीबडी? क्यों ये इक्वेशन हर सिचुएशन में मैं यूज नहीं कर सकता? एनीबडी? वेरी गुड। ये बात आपको चैप्टर, इस चैप्टर के पहले पता नहीं थी, पर यहां आके इस चैप्टर में आके आपको ये बात पता चली है कि सबसे बड़ा जो यू नो डेंजरस चीज है वो जी है। यहां पे ये पूरे कांड में हमने जी को कांस्टेंट लिया था, हमको यहां पे ये पॉइंट पे पता भी नहीं था कि जी की वैल्यू चेंज भी होती है। चैप्टर 6 में हमको अंदाजा ही नहीं था। ये इस चैप्टर में हमको पता चला कि जी की वैल्यू चेंज भी होती है, हमको चैप्टर 6 में अंदाजा ही नहीं था कि जी की वैल्यू चेंज भी होती है नहीं होती। हमको चैप्टर 6 में पता था कि यू नो अर्थ के ऊपर जाओगे तो जी घटता जाएगा, अर्थ के नीचे जाओगे जी घटता जाएगा, ऐसा आइडिया था चैप्टर 6 में? नहीं, हम तो बड़े खुश होकर चल रहे थे, MGH झंडा उठा लिया था। पर यहां आज हमको पता है कि ये तभी चल रहा है जब ये दोनों पॉइंट्स अर्थ के करीब हैं। ये P और Q अर्थ के करीब है दोन, यहां पे ये पूरे एरिया में G इज कांस्टेंट, तब जाके ये सब हो रहा है तुमसे MGH2 - H1 MGH ब्ला ब्ला ब्ला, बट हर केस में पॉसिबल नहीं है। क्या तुम चैप्टर 6 में बॉडी को 1000 किलोमीटर ऊपर ले गए थे? मांड 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, उसमें जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। एज अ रिजल्ट वी वर ऑल वेरी हैप्पी, वी वर स्ट्रेस फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, MGH2 - H1 MGH, वी आर ऑल गुड। बट अब सिचुएशन ऐसा है कि तुम, हम जानते हैं जी की वैल्यू में बदलाव हो सकता है, ये जी कोई अमर पट्टा लिखा के नहीं आया, जी की वैल्यू में चेंजेस भी हो सकते हैं। एज अ रिजल्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिग डिस्टेंसेस दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड, दिस इज नॉट अ वेरी एक्यूरेट इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वेशन अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ जी टू बी कॉन्स्टेंट, विच वी नो टूडे दैट इट इज नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट। नो, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का ये इक्वेशन फेल हो जाता है, चैप्टर 6 तक ही चल सकता है। तो आओ एक नया इक्वेशन फाइंड करें, एक बेहतर इक्वेशन फाइंड करें जो हमको एक्यूरेटली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताएगा। स्टे विथ मी। ओके, सीन सपाटा एकदम क्लियर है, ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना है यम्मी, दिस इज पॉइंट पी, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना R1, दिस इज पॉइंट Q, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना R2। मेरे पास एक बॉडी है लेट अस से जिसका मास M है, ओके, और फिलहाल इसके और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है R। एनीबडी कैन टेल मी, अच्छा कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास M एट अ डिस्टेंस R from center of earth, can anybody give me the force between the body and the earth, force on the body by the earth is, anybody, gmem by r square, as simple as it gets। अच्छा एक कम कर देने, एक कम, मैं इस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहता हूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना देना चाहता हूं dr, बराबर, वी विश
we give a small displacement dr to this body. Do you agree? मैं इस बॉडी को कहां लेके जा रहा हूं? ऊपर. मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. फोर्स किस तरफ है बॉडी पे? ये अर्थ किस तरफ खींच रहा है बॉडी को? डू यू अग्री आई विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस डिस्प्लेसमेंट? सो वर्क एकदम सिंपल, ये वर्क डन है. वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, वी कॉल इट डी डब्ल्यू, इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस वर्क इज व्हाट? नेगेटिव. ओके, क्योंकि फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर. आओ राजा, माइनस जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर इनटू डी आर. सो दिस वाज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन टेकिंग द बॉडी बाय डिस्प्लेसमेंट डी आर. अब मुझे टोटल वर्क चाहिए इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू. डू यू अग्री आई शुड इंटीग्रेट? टोटल वर्क टू बी डन इन टेकिंग बॉडी, सिंपल बात, फ्रॉम पी टू क्यू. वर्क इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू, कहां से लेकर कहां तक? पी से लेकर क्यू तक. डी डब्ल्यू के उसमें ये डाल दो. अच्छा, डू यू अग्री माइनस जी एम ई एम सब बाहर आ जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट है ना. इंटीग्रल वन बाय आर स्क्वायर डी आर, कहां से लेकर कहां तक? भाई पी का डिस्टेंस कितना है? आर वन, और ये कहां है? आर टू. चलो बेटा, क्या मुझसे ही करवाओगे? वन अपॉन आर स्क्वायर. हाँ साहब, किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट हो रहा है साहब? डी आर अगर मैं कहता वर्क इज इंटीग्रल जी एम ई एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इंटीग्रल में कौन रहता? जी एम ई एम या एक्स? क्योंकि दिस जी एम ई एम बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ऑल कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसको कहते हैं इंटीग्रैंड. तो इंटीग्रैंड इज व्हाट? डी आर. तो डी आर अगर इंटीग्रैंड है जिसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो आर तो अंदर ही रहेगा ना. बरोबर. तो जल्दी जल्दी, Anybody doing integral r raised to minus 2 dr? R by minus, r raised to minus 1 by minus 1. Sabas, beta. Achha, minus minus, giyo. And r raised to minus 1 is what? 1 by r. Kahan se lekar? Final kya aega? Final yahi likh du main. वैसे ये फाइनल इक्वेशन नहीं है. जी एम ई एम, आई होप दिस इज विजिबल. वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन. भाई दिस मच इज विजिबल डाउन बिलो? यस सर. सॉरी. ओके ओके पीपल, ये जी एम ई एम वन ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर वन. अच्छा, मैं R2 इस पॉइंट Q को, जो ये R2 डिस्टेंस है, आई विल टेक Q टू बी इंफिनिटी. यू नो दिस इज द पॉइंट वेयर माय पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. यू नो वन अपॉन R2, अगर R2 इंफिनिटी होगा तभी जाके वन अपॉन इंफिनिटी जीरो होगा ना. सो आई एम गोइंग टू रब दिस ऑफ. वी टेक पॉइंट Q एट इंफिनिटी, एंड मैं रीजन भी बता रहा हूं. We take point Q at infinity where the potential energy is zero. So put R2 as infinity and R1 को कुछ भी नाम दे दो, क्या R दे दो, चलो जो भी है.
तो हाउ डज इक्वेशन थ्री चेंज, सो इक्वेशन थ्री बिकम्स, व्हाट डज इट बिकम, वर्क डन इज GMEM 1 upon infinity minus 1 upon r. Can someone tell me what will be the final equation? Minus GMEM by r. This work done is stored as potential energy. So the equation for gravitational potential energy, dan tanan, mgh ke zamane gaye sriman, kiske zamane gaye, mgh ke zamane gaye, ab naye zamane aa gaye, mgh ko nahi liya ja payega. So equation for gravitational potential energy is, भाई आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को W कहना चाहे, U कहना चाहे, आप जो चाहे वो कह सकते हैं. तो W या V is minus GMEM by R. मैं हमेशा इसको U के नाम से ही पहचानता हूं, हमेशा. सो माइनस क्यों, क्योंकि करना पड़ा ना, वर्क करना पड़ा. तो माइनस जी एम ई एम बाय आर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट पॉइंट. लेट मी राइट दिस डाउन, अ न्यू डेफिनेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो फॉर टू मासेस एम वन एंड एम टू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, बहुत मस्त इक्वेशन है, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर. वैसे ये तो यूज करेंगे ही, पर बहुत सारे सिचुएशंस में ये भी यूज करना आता है. जब मेरे पास दो मासेस हो, एम वन एंड एम टू, बीच में डिस्टेंस आर हो, तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यू इज माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मासेस. एट दिस पॉइंट let me go on and define what is called gravitational potential. Have you heard the name gravitational potential ever? Nahi? Ever heard the name? No, sir. Okay. Kuch nahi hai. Gravitational potential. Hum isko phi bhi keh sakte hain. सब जगह पे अलग अलग इसका वो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अच्छा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट द वर्क डन टू टेक मास एम फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी, या वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट. दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन फॉर मास एम. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन फॉर 1 kg मास. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस is the work done in bringing unit mass matlab 1 kg from infinity to the given point. To yahan pe equation gravitational potential energy jaisa hi, bas isme mass m nahi hai. So gravitational potential is, एकदम सिंपल इक्वेशन, बस मास एम निकाल दो इसमें से, फाइव सिंपल. हाँ, अर्थ का हम जहां तक ये यूज कर रहे थे तो अर्थ के ग्रेविटी में ही इस मास एम को लेके जा रहे थे ना. अब यहां मास एम है, यहां 1 kg है, सिंपल बात है. सो यूनिट मास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, यूनिट मास. तो यूनिट मास को लेके जा रहे, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, एवरीबडी नोज दैट, एंड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई, इजंट इट वर्क डन पर यूनिट मास.
तो जूल पर केजी। और अच्छा, जैसे मैंने यहां पे अर्थ और एक मास लिया, यहां पे कोई भी दो मास लिए, यहां पे अर्थ लिया है, यहां पे कोई भी मास लो, तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास एम? माइनस। वेरी गुड, शाबाश। ओके ओके पीपल, इलस्ट्रेशन 8.3 लास्ट सम ऑफ द डे करने जा रहा हूं। स्क्वायर है ए बी सी डी, ईच साइड लेंथ एल, एंड दे हैव प्लेस्ड फोर मासेस एम 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 एट ईच ऑफ द फोर वर्टाइसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ टू मासेस इज गिवन एज माइनस जी एम वन एम टू ओवर R, where R is the distance between M1 and M2. Potential energy find करने में हमें pairing लेनी पड़ती है. So, for example, जैसे अगर कोई मुझसे कहता कि ये M1, ये M2 है, कितना potential energy है इस system का? तो U is equal to minus G M1 M2 by R. पर अगर यहाँ पे एक M3 भी आ जाता, तो क्या करते? सबसे पहले हमको pair देखनी पड़ती. वन कितनी पेयर बना रहा है? वन टू के साथ और वन थ्री के साथ। उसी तरह टू कितनी पेयर बना रहा है? टू वन के साथ तो आ गया, टू थ्री के साथ। एंड कोई भी इक्वेशन में ये वैल्यू डाल करके पेयरिंग का आंसर मैं ला पाऊंगा। अब ये पेयरिंग यहां पे देखो, सपोज ए है, ए कितनी पेयर बना रहा है? ए बी ए सी ए डी। बी कितनी पेयर बना रहा है? बी ए तो हो गया, बी सी बी डी। सी कितनी पेयर बना रहा है? सर सी बी हो चुका है, सी ए हो चुका है, सी डी। और डी कितनी पेयर बना रहा है? सर डी की सब आ गई पेयर, डी ए हो गया, डी बी हो गया, डी सी हो गया। तो हमको पेयरिंग देखनी है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर्स, उन पेयर्स को देखो हैविंग डिस्टेंस एल बिटवीन देम। सबसे पहले उन पेयर्स का बयान करो जिनके बीच में डिस्टेंस एल है। कैन यू सी ए बी पेयर में डिस्टेंस एल है? क्या ए सी में डिस्टेंस एल है? आई थिंक इट इज एल रूट टू, तो ए सी वाला नहीं आएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट एडी? एडी आएगा। अच्छा, ए वाली हो गई, ए बी हो गया, ए डी हो गया। अब बी वाली पकड़ो, बी कितनी पेयर बनाएगा जिसके बीच में डिस्टेंस एल है? सर पहले तो बी ए आ गया, ए बी इज बी ए, बी सी बी डी है क्योंकि वो एल रूट टू है, तो बी को उड़िया। अब सी को चेक करो, सी कितनी पेयर बनाएगा जिसमें डिस्टेंस एल है? सी बी आ गया, सी डी। अच्छा, और कोई सी की? सी ए नहीं। अच्छा, डी को देखो, डी कितनी पेयर बनाएगा जिसमें डिस्टेंस एल है? डी ए आ गया, डी सी आ गया। ओके, चार पेयर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर, भाई कितना पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है? जी, मास कितना है? एम एम, तो एम एम बाय कितना डिस्टेंस है मासिस के बीच में? एल। एंड कितनी पेयर है? वन टू थ्री फोर। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पेयर माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। एम वन कितना है? एम। एम टू कितना है? एम। तो एम इंटू एम, कितना डिस्टेंस था हर पेयर के बीच में? एल। तो माइनस जी एम एम बाय एल, और ऐसी कितनी पेयर है? चार। तो व्हाट इज माय यू वन? वेरी गुड। अच्छा, आप पेयरिंग देख ही रहे हो, आप लोग पेयरिंग बनाने में तो एक्सपर्ट हो, क्या आपने ये सब करते करते कोई और टाइप की पेयर भी देखी जिसमें अलग डिस्टेंस हो? एल रूट टू। सो पी ऑफ पेयर्स
having distance L root 2 between them. I think अब काफी expert हो गए हो, क्या मुझे pair बता सकते हैं कि जिसके बीच में L root 2 distance है? AC? वाह वाह, बीडी भी देख ही लिया. ओके, तो U2 हर पैर का कितना पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम एम बाय एल रूट टू. और ऐसी कितनी पैर से श्रीमान? बरो अच्छा, ऊपर टू नीचे रूट टू, फाइनल इक्वेशन कितना? माइनस रूट टू भाई. स्क्वायर को देख के ऐसा कोई लगता है कि कोई तीसरी टाइप की पेयर भी होगी? नहीं, और कोई टाइप की पेयर नहीं. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू. भाई यू वन कितना? ये रहा माइनस फोर जी एम स्क्वायर बाय एल, एंड यू टू ये रहा माइनस रूट टू जी एम स्क्वायर बाय एल. दोनों में से माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल कॉमन निकाल लू. थैंक यू. ब्रैकेट में मेरा आंसर आ चुका है, चेक करें कृपया. सही है? ओके. अब सेकंड क्वेश्चन में, फाइनल में उन्होंने कहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर. ओके, सेंटर में मैं पॉइंट बना लेता हूं. ये रहा एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल्स, ये है पॉइंट ओ. ये पॉइंट पे कितने मासिस की वजह से पोटेंशियल होगा? पहली बात तो ए की वजह से होगा, बी की वजह से होगा, सी की वजह से होगा, डी की वजह से होगा. कितने मासिस है? चार. तो इन चारों की वजह से ओ पे पोटेंशियल होगा. क्या ये चारों ओ से इक्विडिस्टेंट है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ मच वुड बी द डिस्टेंस ऑफ ईच मास फ्रॉम द सेंटर ओ? आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ. एल बाय रूट टू बाय टू. वॉट वॉट मैन? फ्रॉम फिगर ओ ए is OB, is OC, is OD, is AC by 2. And AC was, अभी हमने देखा था L root 2 by 2. भाई कितना हुआ ये? कोई शक? नहीं, मैं इसको R बुलाता हूं. R, 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 R. बरोबर, प्यारा लगता है R, 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 R. And अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, सिंपल सिंप्लिसिटी इटसेल्फ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ फाइ, इजंट इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू डी. एंड हमको पता चला है हर मास सेम है, हर डिस्टेंस सेम है, तो माइनस जी एम बाय आर मल्टीप्लाई बाय फोर. माइनस जी एम बाय आर 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 यूजिंग दिस इक्वेशन. सो माइनस जी एम बाय आर बाय फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, तो माइनस फोर जी एम. भाई कितना है आर अपना? एल बाय रूट टू. डू यू अग्री? बाई चढ़ गई ऊपर. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is minus 4 root 2. Is this absolutely crystal? Yes, sir. आज को, आज सोने से पहले का कार्यक्रम यही है श्रीमान. इलस्ट्रेशन नंबर 3 करके सोना, पेयरिंग करके सोना. रात को नींद में भी सपने में अच्छी पेयरिंग हो जाएगी, मजा आ जाएगा, रात आराम से कट जाएगी. बराबर है? सो ये दो इक्वेशंस ने बदल दी आपकी दुनिया. पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम वन एम टू बाय आर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाय आर. ऑल राइट, विद दीज टू थिंग्स लेट मी से आई एंड द डेज प्ले. थैंक यू सो मच पीपल. यू हैव अ लवली इवनिंग. स्टे सेफ. बाय बाय.